गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस गेम के अंदर बहुत दिन बाद एक मोको स्टोर इवेंट आ चुका है और इस मोको स्टोर इवेंट के अंदर आप लोगों को बहुत दिन बाद एक लोबी एंटी एनिमेशन आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर आप लोगों को एक नहीं दो दो लोबी एंटी एनिमेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखो भाई यहाँ पर कितना ओपी वाला लोबी एंटी एनिमेशन भाई घोड़े के ऊपर आता है। भाई देखो यहाँ पर ये वाला लोबी एंटी एनिमेशन भाई कितना ओपी लग रहा है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को और एक लोबी एंटी एनिमेशन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर ये सेंटा क्लॉस वाला मतलब विंटर का सीजन में आया था, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को दोनों स्काइविंग भी देखने को मिलेगा। देखो ये वाला घोड़ा वाला स्काइविंग, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को सेंटा क्लॉस वाला स्काइविंग। तो गाइस यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन आया होगा कि भैया यहाँ से कौन सा बेस्ट है, यहाँ पर इन दोनों लोबी एंटी एनिमेशन से कौन सा बेस्ट है। तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट दूंगा कि भैया मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी बताया था कि कौन सा बेस्ट है आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा वोट आया था ये वाला जो होता है ना घोड़ा वाला एनिमेशन होता है ना, ये सबसे बेस्ट है। तो यही में आप लोगों को निकल के दिखाएंगे। उसके साथ साथ देखो ये भी अच्छा है, अगर आपके पास ये वाला है ना तो आप लोग ये वाला निकल लेना। लेकिन मुझे पता है जिन लोगों के पास नहीं है कोई भी लोबी एंटी एनिमेशन, तो आप लोग ये वाला लोबी एंटी एनिमेशन को निकल सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड आइटम के अंदर से मैं क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला स्काइविंग को सिलेक्ट कर लिया। तो देखते हो कि भैया यहाँ पर कितना डायमंड के अंदर मिलने वाला है। और हाँ गाइस देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर मैंने कितना सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, 4:07 हुआ है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो प्लीज़ गाइस यहाँ पर ये काम कर देना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या करेंगे, ये सारा लोबी एंटी एनिमेशन को निकल के दिखाएंगे, उसके साथ साथ स्काइविंग भी निकल के दिखाएंगे। तो देखो गाइस यहाँ पर फर्स्ट स्पिन 9 डायमंड का होता है। और हाँ गाइस ये मोको स्टोर इवेंट अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर करीब 900 डायमंड के अंदर आप लोगों को दो दो रेयर आइटम मिल जाता है। एक तो स्काइविंग मिलेगा, उसके साथ साथ लोबी एंटी एनिमेशन भी मिलेगा। भाई बहुत ही ओपी वाला ये लोबी एंटी एनिमेशन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट स्पिन कर दिया 9 डायमंड का, देखते हो कि भाई ये कितना स्पिन के अंदर मिलता है। और देखो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट स्पिन के अंदर यहाँ पर डायमंड रॉयल का बाउंसर मिला, कोई नहीं गाइस। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो गाइस ये जो मोको स्टोर इवेंट होता है ना, यहाँ पर भाई बहुत लोगों का लक चल जाता है। भाई लक कैसे चलता है, मतलब एक दो स्पिन के अंदर ही मिल जाता है। मैंने बहुत बार देखा मोको स्टोर इवेंट के अंदर एक दो स्पिन के अंदर ही कभी कभी मिल जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन देखो 2-3 स्पिन करने के बाद अगर आप लोगों को ना मिलता है ना, तो आप लोग सोच लेना कि भैया आप लोगों को लास्ट स्पिन के अंदर ही मिलेगा। तो कोई नहीं गाइस, आज तो मैं आप लोगों को निकल के दिखेंगे करीब 900 डायमंड लगने वाला है। बस आप लोग वीडियो देखते रहना और हाँ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने फिर से और एक स्पिन कर दिया गिरने वाला। अच्छा यहाँ पर देखो मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे लगता है अभी मेरे को लास्ट में ही मिलेगा। देखो हर बार तो लक साथ नहीं देता है ना, लेकिन इस मोको स्टोर इवेंट के अंदर बहुत बार लक साथ देता है। आप लोग ट्राई करना बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे रेयर आइटम होता है ना वो 2-3 स्पिन के अंदर ही मिल जाता है। और ऐसा भी होता है एक स्पिन के अंदर ये जो सेकंड प्राइस होता है ना वो मिल जाता है। तो यहाँ पर तो मेरे को नहीं मिल रहा, तो कब मिलेगा मुझे नहीं पता। तो देखता हूँ यहाँ पर 99 डायमंड का और एक स्पिन कर दिया भाई, और एक कुछ तो। ओ भाई साहब देखा ना, मैंने आप लोगों को जैसे कि बोल रहा था, देखा ना मोको स्टोर इवेंट के अंदर एक काम ऐसा होता है कि भैया जो रेयर आइटम होता है ना वो आप लोगों को एक दो स्पिन के अंदर ही मिल जाता है, मतलब ज़्यादा डायमंड नहीं लगता। तो अगर आप लोग चाहते हो ना आपके पास 150-200 डायमंड है ना, तो आप लोग ट्राई करना। और हाँ गाइस अगर ना मतलब देखो भाई ऐसा भी हो सकता है ना भी मिल सकता है, तो आप लोग मेरे ऊपर ब्लेम मत देना, मैं जस्ट आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि इस मोको स्टोर इवेंट के अंदर लक सब लोगों को साथ देता है कभी कभी। तो कोई नहीं गाइस आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर देखो मेरे को ये वाला और ये वाला आइटम निकलने के लिए मेरे को 199 डायमंड का स्पिन करना पड़ेगा, उसके बाद शायद 499 डायमंड का होगा। तो मुझे पता है 199 डायमंड के अंदर अभी ये मिलेगा, क्योंकि मतलब सबसे पहले ये वाला मिल गया था ना, तो अभी ये मिलेगा देखना आप लोग। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर 199 डायमंड का स्पिन कर दिया, और देखा ना मैंने आप लोगों को जैसे कि बोला था वही मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट मिला। उसके बाद अभी ये वो भाई साहब 499 नहीं 599 डायमंड के अंदर ये मिल रहा है। भाई क्या करो आप लोगों को देखो यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए था, फिर भी बस आप लोगों को निकल के दिखाने के लिए यहाँ पर देखो मैं डायमंड का इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस गेम के अंदर बहुत सारा इवेंट्स वगैरह आता है, मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक न्यूज़ अपडेट दे देता हूँ। गाइस यहाँ पर जो सबसे रेयर एक्सीस होता है ना, सबसे रेयर तो नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो गोल्डन शेड बंडल होता है ना वो आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग डेंसो सेक्शन के अंदर जाओगे ना,
तो यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पर जो ये बंडल होता है ना, इसके साथ साथ आप लोगों को पुराना गोल्डन शेड जो बंडल होता है ना, वो भी आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलेगा। इवेंट शायद आप लोगों को 19 या फिर 20 तारीख को देखने को मिलेगा, रिंग इवेंट के अंदर आने वाला है। तो अगर आप लोग गोल्डन शेड बंडल निकलना चाहते हो ना, तो आप लोग डायमंड कलेक्ट करके रखना। और हाँ गाइस, बहुत ही जल्दी एक ईवेंट आने वाला है और मेंबरशिप जो होता है ना, वो पूरा कपड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप लोग मेंबरशिप जो होता है ना, उसका वीडियो देखना चाहते हो ना, तो आप लोगों को हमारे चैनल के अंदर एक शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा, वो जाके देख लेना। और यहाँ पर मैंने बुया पास नहीं लिया था, तो ये भी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 399 डायमंड के अंदर से बुया पास को ले लिया। और हाँ गाइस, देखो मैंने जो बुया पास लिया ना, और मेरे को सारा का सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। 125 तक लेवल शायद कंप्लीट हो जाएगा, पता नहीं कितना लेवल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा कितना लेवल तक कंप्लीट हो गया, यहाँ पर तो 52 लेवल तक कंप्लीट हो गया। तो सारा का सारा क्लेम कर लेता हूँ। देखो मेरे को सारा का सारा रिवॉर्ड मिल चुका है, मैंने बोला था ना आप लोगों को एक बार भूया पास ले कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा लू, यहाँ पर ये चूज कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पर 52 लेवल तक कंप्लीट हो गया। तो हफ्ते आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो पसंद आने एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।